सर्दियों का मौसम है और इस मौसम में सर्दी, जुकाम, खांसी, वायरल बुखार जैसी समस्याएं हर वर्ग के व्यक्तियों में देखने को मिलती हैं, चाहे वो बच्चे हो, युवा हो या फिर बुजुर्ग हो। दोस्तों, हमारे इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है उसे अनेकों बीमारियां आ घेरती हैं, उसे सर्दी, खांसी, जुकाम, टीवी, यहाँ तक कि कैंसर जैसे रोग हो सकते हैं। दोस्तों, इम्यून सिस्टम शरीर को बीमारियों से बचाने, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने और फंगस संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। इम्यून सिस्टम के कमजोर होने से हमें बीमारियां आ घेरती हैं और व्यक्ति कमजोर हो जाता है, उसे कोई भी रोग जल्द ही आ घेरते हैं। दोस्तों, आप योग को अपनाकर स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर सकते हैं। इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए सबसे पहला योगाभ्यास हम करेंगे, भुजंग आसन और पर्वत आसन को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। इसे करने के लिए आप ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को आप अपनी छाती के पास ऐसे रख लेते हैं और आपके दोनों पैर ऐसे, दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लीजिए और श्वास अंदर भरते हुए आप अपने सिर को ऐसे पीछे को उठाइए और अपने पंजों पर अपने शरीर का भार रखते हुए आप अपने शरीर को थोड़ा सा अपनी जमीन से ऊपर की ओर अपने शरीर को उठा लीजिए। 30 सेकंड ऐसे ही मेंटेन करके रखें। फिर श्वास छोड़ते हुए ऐसे माउंटेन पोज में आएंगे। कुछ देर ऐसे ही मेंटेन करके रखें। फिर इसके बाद आपने भुजंगासन की पोजीशन में आना है। श्वास अंदर भरते हुए आपके पैर आप जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठे हुए हों, श्वास छोड़ते हुए माउंटेन पोज में आएंगे। पहले आप इसे ऐसे ही 30-30 सेकंड मेंटेन करके प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप इसे तीव्रता से पर्वत आसन और भुजंगासन को प्रैक्टिस कीजिए। श्वास भरते हुए पर्वत आसन में, श्वास अंदर भरते हुए भुजंगासन की पोजीशन में आए, श्वास छोड़ते हुए पर्वत आसन की पोजीशन में आए। ऐसे ही आप इसे 10 से 15 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसे करने से हमारा न्यू सिस्टम स्ट्रांग होता है और हमारे शरीर को फिट रखने के साथ साथ हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए यह पर्वत और भुजंग आसन बहुत ही अच्छे आसन होते हैं। अब आप तीव्रता से कीजिए, श्वास भरते हुए भुजंगासन, श्वास छोड़ते हुए पर्वत आसन। लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आप इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कीजिए। कमर दर्द, पीठ दर्द, सर्वाइकल पेन को दूर करने के साथ साथ हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने, फंगस संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन होता है। फिर इसके बाद आप चाइल्ड पोज में रिलैक्स करेंगे। दोस्तों, इसके बाद इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे, उष्ट्रासन। इसे करने के लिए आपने ऐसे वज्रासना पर बैठ जाना है, फिर इसके बाद आपने ऐसे घुटनों के बल खड़े हो जाते हैं। इसके बाद आप अपने राइट हैंड को ऐसे ऊपर को उठाइए और धीरे धीरे पीछे को अपने शरीर को बेंट करते हुए अपने पैर के तख्तों को ऐसे पकड़ लीजिए। फिर दूसरे हाथ को उठाएंगे और अपने पैर के तख्ते को पकड़ लेंगे, अपने सिर को पीछे को ऐसे लटका लीजिए। 30 सेकंड ऐसे ही मेंटेन करके रखें। उष्ट्रासन, इसे करने से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बढ़ता है, बनता है और हमारा शरीर को एक्टिव और एनर्जेटिक बनाने के साथ साथ डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। 30 सेकंड ऐसे ही मेंटेन करके रखें। फिर दोनों हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ उठा देंगे और प्राइमरी स्टेज में आ जाएंगे। ऐसे ही उष्ट्रासन को आप 4-5 बार प्रैक्टिस कीजिए। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने सिर को पीछे को लटका लीजिए। 30 सेकंड मेंटेन करके रखें। कोई भी आसन को आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार ही प्रैक्टिस कीजिए। फिर श्वास अंदर भरते हुए प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं।
इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे अर्ध शीर्षासन। जो लोग हेडस्टैंड को प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं वह इस अर्ध शीर्षासन को प्रैक्टिस करें। इसे करने से हमें हेडस्टैंड के संपूर्ण लाभ मिलते हैं। इसे करने के लिए आपने ऐसे वज्रासना पर बैठ जाना है, दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेना है और अपने सिर को ऐसे जमीन पर रखिए और धीरे धीरे आप अपने घुटनों को सीधे करते हुए ऐसे माउंटेन पोजीशन में आएंगे और दोनों पैरों को ऐसे जमीन पर स्पर्श कीजिए, एड़ियां आपकी जमीन पर लगी रहें। 30 सेकंड ऐसे ही मेंटेन करके रखें। इसे करने से हमारे सिर में ब्लड सर्कुलेशन काफी अच्छा रहता है और हेड स्टैंड के संपूर्ण लाभ हमें मिलते हैं। 30 सेकंड ऐसे ही मेंटेन करके रखें। नॉर्मल ब्रीदिंग, फिर इसके बाद आप धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाएंगे। ऐसे ही इस अर्ध शीर्षासन को भी आप 4 से 5 बार मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, इन योगाभ्यासों के अलावा आप कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम को भी प्रैक्टिस कीजिए। इन प्राणायामों के नियमित 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस करने से हमारा इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रांग बनता है। आप अपने 15 से 20 मिनट एवरीडे निकालिए और इन योगाभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा यह वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।